नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान इस वक्त की लोनी से एक बड़ी खबर आपके बीच लेकर आया हूं, जहां गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। यानी योगी सरकार की पुलिस एनकाउंटर जो मिशन है, साफ तौर पर देखा जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा, लोनी थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार को पुलिस चेकिंग के दौरान रोका जाता है, लेकिन वो नहीं रुकता और पुलिस पार्टी पर फायर झोंक देता है, जिसमें पुलिस साहस दिखाते हुए उसको गोली मार देती है। लेकिन जिस समय गोली लगी और उसको पुलिसकर्मी उसको उठाकर अस्पताल ले जा रहे थे, तभी उसके मुंह से कुछ ऐसा निकला, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। दिखाते हैं आपको पहले वो वीडियो। गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। तो सुना आपने, उत्तर प्रदेश योगी सरकार में जो गौ तस्कर है, उसको गोली लगते ही गौ तस्कर के मुंह से निकला, गाय हमारी माता है। यानी ये साफ तौर पर मंशा जाहिर है पुलिस की भी और उत्तर प्रदेश सरकार की भी। जो गौ तस्कर है उनको बख्शा नहीं जाएगा और साफ तौर पर उनका एनकाउंटर, मुठभेड़ साफ तौर पर उनके साथ उनको गोली लगेगी, जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। और ये साफ तौर पर ये लोनी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। बताना चाहूँगा, जो गौ तस्कर है ये बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के इदरिसपुर का रहने वाला है और काफ़ी दिन से इस पर आधा दर्जन से ज़्यादा इस पर गौ तस्कर के मुकदमे थे और काफ़ी दिन से लोनी पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। लेकिन ये पुलिस लोनी पुलिस के हत्ते चढ़ा और पुलिस का गोली का निशाना बना और साफ तौर पर क्या लिखड़ा मुंह से कि गाय हमारी माता है। आइए सुनाते हैं पूरी, जो वहाँ के सीओ सिटी ने पूरा मामला बताया। मामला थाना लोनी की टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी बंथला चिरौड़ी मार्ग पर, उसी दौरान एक काले रंग की मोटरसाइकिल पर व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा जब रोकने का प्रयास किया तो वह लिंक रोड पर काफ़ी तेज़ी से अपनी मोटरसाइकिल मुड़ा करके भागने का प्रयास किया। उसी क्रम में मोटरसाइकिल फिसल जाने से वह गिरा और पुलिस टीम से अपने आप को गिरता हुआ देख करके पुलिस टीम पर जानलेवा हमला किया। उसके जानलेवा फायरिंग से पुलिस टीम ने अपने आप को बचाते हुए आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग किया, जिसमें बदमाश घायल हुआ। उससे पूछताछ में उसने अपना नाम इदरिस पुत्र सोनू बताया, जो कि मूल रूप से बागपत का रहने वाला है और हाल पता वो मुस्तफाबाद लोनी क्षेत्र में रह रहा था। उसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई तो वह थाना लोनी पर पंजीकृत गौवध के मुकदमे में वांछित था और उसके पूर्व में भी 6 गंभीर प्रकृति के आपराधिक मुकदमे हैं, आधा दर्जन से अधिक, जिसमें कि 302 गौवध आदि के मुकदमे हैं। इससे और भी कठोरता से पूछताछ की जाएगी और इसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी किया जाएगा। इसके पास से एक अवैध तमंचा और एक मोटरसाइकिल भी मिली है, जो वैध है या अवैध है इसके विषय में पता किया जा रहा है और इसमें कठोरतम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ ही इसको प्रारंभिक चिकित्सा हेतु प्राथमिक चिकित्सालय भेज दिया गया है। लगातार लोनी पुलिस एनकाउंटर पर एनकाउंटर, यानी जो भी बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं या खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे थे या खुलेआम लूट खसोट या तमाम तरीके के क्राइम कर रहे थे, उन पर लोनी पुलिस का प्रहार जारी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव जनादेश।